कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में केंद्र सरकार के प्रति रोष है। इसे लेकर आज सोमवार को भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र की हत्या है, मोदी जी तानाशाही चला रहे हैं, इस तरह से कोई किसी की सदस्यता रद्द नहीं कर सकता है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है कि राहुल गांधी जी को न्याय जरूर मिलेगा। आज सारा विपक्ष एकजुट हो गया है, आने वाले 2024 में मोदी जी को इसका जवाब जरूर मिलेगा। इस दौरान सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहे। इस बारे में तो पूरा यही है कि जो है बिल्कुल टारगेटेड करके जो है उनके खिलाफ जो भी संसद से निष्कासन किया है वो टारगेटेड किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी जो है एक छोटे से अदालत का फैसला को जो हम न्याय की पालिका का पूरा इज्जत करते हैं, पर एक छोटे से कोर्ट का जो है एक फैसले के एक मत होकर जो है ये फैसला लिया गया है, क्योंकि फैसला जो है छोटे कोर्ट से हायर कोर्ट में भी जा सकता था, अभी तो जो है आप आगे भी बहुत सारे बड़ी कोर्ट्स है, तो निचले कोर्ट के फैसले से आप इस तरह की कार्रवाई जो है आप ये टारगेटेड कार्रवाई जो है ये जो है लिया गया है सरकार ने। हम इसके खिलाफ जो है पूरे इंडिया से जो है यूथ कांग्रेस पूरी अभी एकत्रित हुई है, हम इसके खिलाफ जो है आंदोलन जो है आज हमारा जेल भरो जो है आंदोलन जो है आज हम करने जा रहे हैं। सीट में से बात है कि जो सवाल है जो लाजमी है पूरे देश की यात्रा करने के बाद जो सवाल निकले हैं उन सवालों का जो है जवाब देने से मोदी सरकार जो है डर गई है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को संसद से निष्कासित करने का इनका षड्यंत्र था पहले से ही, जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से उस जज को प्रमोट किया गया आगे, फिर उसके बाद बिल्कुल सिलसिलेवार उन्होंने जो है टाइम के अकॉर्डिंग वो सजा सुनाई, और उसमें सजा सुनाने के साथ साथ उसको कम भी करा जा सकता था, लेकिन उतनी ही सजा सुनाई जब, और उसके साथ में जब कोर्ट ने 30 दिन की अपील का उनको मोहलत दे रखी है उसके बावजूद भी इन्होंने सदस्यता उनकी निरस्त कर दी। इसलिए जो है हम लोग आज लोकतंत्र की जो लोकतंत्र का अपमान हुआ है, लोकतंत्र को खतरा हो रहा है हमारे देश में, उसके लिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि संसद में हमारे सांसद को हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। माइक पहले म्यूट कर रहे थे, फिर वीडियो बंद कर दिए, और अब उनकी सदस्यता निष्कासित कर दी, जिसकी वजह से हमें रोड पर उतर के अपनी बात कहनी पड़ रही है। मोदी सरकार डरी हुई है, जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया और भारत जोड़ो यात्रा में हजारों करोड़ों लोगों ने, करोड़ों भारतीयों ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, महिलाओं ने अपना दुख दर्द उनके साथ साझा किया, तो उसको देख करके अपार समर्थन को देख करके मोदी सरकार, पूरी भाजपा सरकार, और मैं तो कहूँगा कि मोडानी जो सरकार है मोदी और अडानी जी की, वो डरी हुई है। बिल्कुल उन्होंने सवाल पूछे हैं संसद में, वो उनका दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य है सांसद होने के नाते, अगर वो पूछते हैं कि इतना पैसा जो फॉरेन कंपनियों में जो कि फेक कंपनियां हैं उससे अगर हमारे देश में लगा हुआ है तो वो किसका पैसा, अगर वो पूछते हैं तो क्या गलत पूछते हैं। अगर देश के सारे बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े उद्योग अडानी ग्रुप को दिए जाते हैं, अडानी को दिए जाते हैं, इस बात का अगर वो सवाल पूछते हैं तो उसमें क्या गलत पूछते हैं। अगर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी उसमें मिली भगत है, ये भी उसके हिस्सेदार हैं। कहना चाहता है कि राहुल गांधी जी को निष्कासित इतनी जल्दी करने का निर्णय क्यों लिया गया, उनको कम से कम टाइम तो दिया जा सकता था उस मौके पर, इतनी जल्दी करने की कहां जरूरत थी। उन्होंने अनुच्छेद 102 103 में बता रखा है कि बिना राज्यपाल और बिना राष्ट्रपति की अनुमति की कोई भी निष्कासित किसी भी पार्लियामेंट के सदस्य को निष्कासित नहीं किया जा सकता है। जब से राहुल गांधी जी माने भारत जोड़ो यात्रा में होकर आए हैं, उन्होंने गरीब मजदूर किसान लोगों की एक आवाज उठाई है, तब से ये लोग बौखला रहे हैं, डरप रहे हैं, तानाशाही लोग सरकार अपना रवैया अपना रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हो सुबह से किसानों के बेटे लाल किस तरह से सड़कों पे उतर के अपना मेहनत संघर्ष का सब कुछ दिखा रहे हैं। मोदी जी किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों अडानी जी को 20,000 करोड़ रुपये खा के बैठे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं सच बताते हैं, क्यों नहीं सामने लाते हो, इस बात को क्यों दबाए बैठे हो। मोदी जी आपको क्या प्लान था, आने वाले कल में मोदी सरकार कतई नहीं आओगी, देखना एक दिन राहुल गांधी जी संसद में दोबारा प्रधानमंत्री बनके जरूर पूछेंगे। देखिए, राहुल गांधी को संसद से निष्कासित करना लोकतंत्र की हत्या है। केवल कोई एक व्यक्ति नहीं है राहुल गांधी, राहुल गांधी इस देश की आवाज है, लोकतंत्र में सबसे मजबूत आवाज है, और एक मजबूत आवाज को दबाने की, किसानों की आवाज को, युवाओं की आवाज को, मजलूमों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी डरते हैं, मोदी जी कायर है, और सबसे बड़ी बात है मोदी जी चोर है, चोर को बचाने के लिए, अडानी को अपने साथी को बचाने के लिए मोदी जी राहुल गांधी जी की आवाज को दबा देना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है।
सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप जब अपनी यात्रा में विदेश यात्रा में जाते हैं तो अडानी को आप कितने बार लेकर के जाते हैं और क्यों लेकर के जाते हैं, लेकर के जाते हैं अथवा नहीं लेकर के जाते हैं, आप हाँ और ना में जवाब दीजिए। मोदी जी क्यों डर रहे हैं इस बात को बताने के लिए? मोदी जी अगर चोर नहीं है तो मोदी जी को साफ आकर के कहना चाहिए कि मेरा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है। मोदी जी चुप है, राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की जा रही है, इसका मतलब साफ है कि चौकीदार ही चोर है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।